वन टू थ्री माइक टेस्टिंग, प्लीज रिप्लाई यस या नो। हेलो, गुड इवनिंग सेंटर्स, ओके, गुड इवनिंग सेंटर्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। इन द लास्ट सेशन वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 8, टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। Now, question number 9 onwards, the next set of questions is going to talk about from the point of view of the investors. So, the next set of questions which we are going to do is going to calculate the returns from the point of view or from the angles of the investors. Calculation of return from investors' point of view. Now, whenever we talk about the return, return is something which is going to be calculated on the basis of the of dividend earned by the investor, or I would say amount of dividend distributed by the company, or I would say in this case distributed by the mutual funds. Now, if we talk about the dividend, we are going to have four kind of situations where we are going to calculate the return on the mutual fund. So if I talk about my first thing, it is called dividend distribution. Now, while starting or while discussing this chapter in the previous lecture, we have discussed that whenever an investor makes an investment in the mutual fund, he is making an investment the mutual fund for basic objectives. One objective is capital appreciation and the second objective is dividend earning. Ab jo bhi dividend earning hoga,
वो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. नाउ दिस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. द डिविडेंड विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स इट बी कॉल्ड आइदर कैपिटल गेन डिविडेंड और इट विल बी कॉल्ड नॉर्मल डिविडेंड. तो जो भी डिविडेंड इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो या तो कैपिटल गेन डिविडेंड कहा जाएगा या फिर इन्वेस्टर्स डिविडेंड कहा जाएगा. नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस कैपिटल गेन डिविडेंड, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन डिविडेंड? कैपिटल गेन डिविडेंड मीन्स म्यूचुअल फंड पेज द डिविडेंड टू इन्वेस्टर्स फ्रॉम इट्स कैपिटल गेन्स. कि म्यूचुअल फंड के खुद के जो कैपिटल गेन्स होंगे उन गेन्स में से डिविडेंड पे किया जाएगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट माई नॉर्मल डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड मीन्स डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी इन विच म्यूचुअल फंड हैज इन्वेस्टेड. अब देखिए मैं एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूं या इन दोनों के डिफरेंस बता देता हूं. अगर म्यूचुअल फंड ने उसके पास जो पैसा आया था उन पैसों में से कोई कैपिटल असेट खरीदी हुई है और उस कैपिटल असेट का अप्रिसिएशन होने के बाद उसे बेचा गया है. लेट्स से म्यूचुअल फंड हैज अक्वायर्ड एन असेट फॉर 1 करोड़ रुपीस एंड दैट असेट हैड बीन सोल्ड एट 1.5 करोड़. तो वो जो 50 लाख रुपए का कैपिटल गेन म्यूचुअल फंड्स को होता है, अगर इन्वेस्टर्स को डिविडेंड उस 50 लाख के कैपिटल गेन में से पे किया जाता है देन इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन डिविडेंड. सो द कैपिटल गेन डिविडेंड इज पेड कैपिटल गेन्स ऑफ द म्यूचुअल फंड इटसेल्फ. बात करते हैं कि जो भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड उन पैसों को इक्विटी में इन्वेस्ट करती है. लेट्स से म्यूचुअल फंड हैज इन्वेस्टेड द मनी इन SBI's शेयर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर्स. नाउ इफ द SBI पेज द डिविडेंड एंड द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स देन इट विल बी कॉल्ड नॉर्मल डिविडेंड. एंड दिस आर द टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स विच विल बी पेड बाय द म्यूचुअल.
I think there is some technical error. Let me check. Clear now, senders. Okay. Now, as I said, the dividend which is distributed to the investors, that dividend will be divided into two parts. Either the dividend is distributed as capital gain dividend or the dividend is distributed as normal dividend. Aapko jo bhi dividend pay kiya jayega, as an investor that dividend will be considered as your return. So while you are investing in the mutual fund or while you are holding your mutual fund units, आपका रिटर्न कितना परसेंटेज होगा उस रिटर्न को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है दैट माय रिटर्न परसेंटेज इक्वल्स टू माय क्लोजिंग एनएवी माइनस माय ओपनिंग एनएवी प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी इनटू 100 एंड व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिविडेंड इस फॉर्मूला में जो डिविडेंड का पार्ट है द डिविडेंड इज इक्वल टू नॉर्मल डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिविडेंड ये दोनों डिविडेंड का एडिशन होगा सो दैट इज हाउ यू कैन कैलक्यूलेट द रिटर्न व्हेन द डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर्स नाउ द सेकंड कैटेगरी ऑफ कैलक्यूलेशन इन्वॉल्व्स दैट व्हेन द डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इन्वेस्टर एंड that dividend is reinvested in the mutual fund. So the second kind is dividend reinvestment method. डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट मेथड का मतलब है कि जो डिविडेंड आपको मिला है या जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अब वो डिविडेंड लेते नहीं हो दैट डिविडेंड इज रीइन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड अगेन तो वो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया गया होगा कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है वो आपने ले लिया है या फिर वो डिविडेंड आपने रीइन्वेस्ट किया है सो व्हेन द डिविडेंड इज रीइन्वेस्टेड अगेन The face value of mutual fund is rupees 100 or I would say is rupees 10 unless mentioned. अगर mutual fund की unit का face value आप लोगों को question में दिया गया हो तो वो consider करने का अगर ना दिया गया हो देन यू नीड टू अज्यूम इट एज 10 रुपीज सेकेंड थिंग डिविडेंड परसेंटेज ऑन म्यूचुअल फंड
will be applied to face value and not to NAV. इट इज वेरी ऑब्वियस एंड ये हम लोगों ने पहले के चैप्टर्स में या आप लोगों ने अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से देखा है कि जो भी डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड किस वैल्यू पर मिलेगा. अब कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, बट इफ आई वॉन्ट टू डिक्लेयर द डिविडेंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस तो फिर हमेशा डिविडेंड जो डिक्लेयर किया जाएगा वो फेस वैल्यू पर किया जाएगा. तो जो भी आपका डिविडेंड परसेंटेज दिया हुआ है द डिविडेंड परसेंटेज हैज टू बी एप्लीकेबल टू द फेस वैल्यू एंड नॉट ऑन द एनएवी. एंड एज आई एम टॉकिंग अबाउट द री इन्वेस्टमेंट मेथड सो डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड will be converted into additional units at the closing NAV of the date on which dividend is declared. तो जितना भी डिविडेंड आपको मिलेगा वो डिविडेंड आप री इन्वेस्ट करने वाले हैं. सो दैट अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी कन्वर्टेड इन टू द एडिशनल यूनिट्स. That amount of dividend will be converted into additional units at the closing NAV of the date on which the dividend is declared. So, यहां पर हम लोग डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो उस केस में अगर हम अपना परसेंटेज रिटर्न कैलकुलेट करना चाहे सो इन दैट केस माई रिटर्न परसेंटेज इक्वल्स टू closing NAV of all units. So closing NAV of all units means your original plus additional units both. Uska closing NAV minus opening NAV of original units divided by opening NAV of original units into 100. So this will be my formula. So this will be the formula for the return percentage if the dividend is reinvested. Third case जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, third case is something where there is something which is called bonus plan. अगर हम लोग बोनस प्लान की बात करें तो बोनस प्लान का मतलब है इफ आई टॉक अबाउट माय बोनस प्लान, इन केस ऑफ बोनस प्लान योर डिविडेंड अमाउंट विल नॉट बी गिवन टू यू, ओनली योर एडिशनल यूनिट्स विल बी गिवन.
So dividend will be distributed straight away in the number of additional units. तो अगर वो bonus plan है, so यहां पर मैं लिख देता हूं, in bonus plan additional units will be given as dividend. And if I am talking about my fourth category, growth plan, in case of growth plan, there would not be any dividend, no dividend, no bonus, no additional units, nothing, only NAV grows. So plan mein aapke units utne ke utne hi rahenge. If you have invested in 1000 units, your number of units will remain as 1000 only. There would not be any dividend, there would not be any bonus given, there would not be any additional units given, but all these effects will be reflected in your NAV itself. Matlab agar company dividend de rahi hai, to us dividend ka effect aapke units mein nahi dikhega, us dividend ka effect aapke NAV mein dikhega. Agar company bonus de rahi hai, to us bonus ka effect bhi aapke units mein nahi dikhega, aapke NAV mein dikhega. Units add nahi honge, direct aapki NAV grow hogi. So these are the four situations in which the dividend can be distributed. Aur hum logo ko calculate karna hoga return in terms of percentage. So that is what we are going to do. Starting with question number 9. Yahan tak kisi ko doubts hai? Okay, starting with question number 9. Question 9 says that an investor buys a mutual fund unit at rupees 23.73. He subsequently receives a dividend of 12.5% which he reinvests in the fund. So, yahan par hum logon ko diya hua hai ki reinvest kar rahe hain. So, we are going to apply the second formula. He reinvests the fund at then prevailing NAV 23.5. Okay. At the end of the year, the NAV of the fund is rupees 24.65. What is the rate of return to investor using the total return with reinvestment method? So, yahan par agar main baat karta hun question number 9 ki, my question number 9 says that investor buys mutual fund unit at 23.73. So 23.73 par wo ek unit kharidta hai. To yahan par hum log yahi assume kar lete hain kyunki number of units hum logo ko question mein diye nahi hai. So assume investor buys one unit. Investor ek unit buy karta hai 23.73 par. Dividend at 12.5%. Ab agar aap pure question mein dekhe, mutual fund ki face value nahi di hui hai. और मैंने यहां पर डिस्कस करते वक्त ही कहा था दैट द रेट ऑफ डिविडेंड विल बी अप्लाइड टू द फेस वैल्यू एंड नॉट टू द एनएवी. सो द डिविडेंड एट 12.5% वेयर द फेस वैल्यू इज अज्यूम्ड टू बी 10 रुपीज
So my dividend will be, dividend equals to 12.5% into 10. So it will be 1.25 rupees. Per unit. 1.25 rupees per unit. और उसके बाद हम लोगों को दिया हुआ है दैट डिविडेंड इज री इन्वेस्टेड एट 23.5 रुपीस पर यूनिट. वो उन्होंने लिखा हुआ है दैट द डिविडेंड इज री इन्वेस्टेड एट द एट देन एनएवी 23.5. तो उस जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ उस दिन की एनएवी 23.5 थी, तो इस डिविडेंड पर इन्वेस्ट किया जाएगा और री इन्वेस्ट करने की वजह से एडिशनल यूनिट्स अलोकेट किए जाएंगे या फिर अलॉट किए जाएंगे. सो हियर आई वुड से एडिशनल यूनिट्स ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट, एडिशनल यूनिट्स ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 1.25 rupees, which is my dividend I have earned, divided by the NAV on the date of declaration of dividend. So 1.25 divided by 23.5 rupees. So my additional units will be 0.0532. So additional units due to reinvestment will be 0.0532 units. So here I can take total number of units. Total number of units will be 1 plus 0.0532. क्योंकि यहां पर हम लोगों ने ये ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है दैट द इन्वेस्टर हैज बॉट वन यूनिट. तो एक यूनिट उसने खरीदा हुआ था, ये एडिशनल यूनिट्स मिले तो उन दोनों को एड करेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी 1.0532 यूनिट्स. एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट रिटर्न. रिटर्न परसेंटेज इक्वल्स टू क्लोजिंग एनएवी ऑफ all units minus opening NAV of original units divided by opening NAV of original units into 100. अब देखिए जो क्लोजिंग एनएवी एट द एंड ऑफ द ईयर दी हुई है दैट इज आई थिंक 24.65. सो यहां पर मैं लिख देता हूं क्लोजिंग एनएवी एट एंड ऑफ ईयर इज 24.65. सो हियर माय क्लोजिंग एनएवी ऑफ ऑल यूनिट्स, सो इट विल बी क्लोजिंग एनएवी multiplied by all units because my total number of units is 1.0532 minus opening NAV. Now my opening NAV was 23.73. Sorry, I have already written it over here. जब हम लोगों ने खरीदा था, so my opening NAV is 23.73. अब यहां पर हम लोगों ने लिखा हुआ है opening NAV of original units. अब ओरिजिनल मेरे पास एक ही यूनिट था, सो 23.73 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी सेम. सो माइनस 23.73 डिवाइडेड बाय 23.73 इनटू 100, सो इट विल बी 24.65 इनटू
9.40%. So this is the return on my mutual fund for a year. If the dividend 12.5% is reinvested in mutual funds again. So this is your question number 9. Any doubts, please? Okay then, copy कर लीजिए और 9th question copy करने के बाद question number 10 homework में करेंगे, या फिर अगर किसी का copy करना जल्दी खत्म हो जाता है और बाकी centers का नहीं हुआ तो वो लोग अभी भी कर सकते हैं. It is the same question as question number 9, जहां पर हम लोग dividend का reinvestment करेंगे. So dividend का reinvestment करके हम लोगों को एडिशनल यूनिट्स मिलेंगे और रिटर्न परसेंटेज फाइंड करना है. सो इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 9. ये फॉर्मूलाज और डिटेल्स कॉपी कर लीजिए एंड देन प्लीज कॉपी द सम, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. और प्लीज कॉपी हो जाए ना तो मुझे तुरंत बता दीजिएगा सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. थैंक यू.
11, it says that a mutual fund had NAV of rupees 50 in the beginning of the year. During the year, a sum of rupees 4 was distributed as income, beside rupees 3 as capital gains distribution. At the end of the year, the NAV was rupees 55. Calculate the return for the year. Now if you look at this question, यहाँ पर हम लोगों को opening NAV दी हुई है, which is 50 rupees. So my opening NAV is given as 50 rupees. My closing NAV is given as 55 rupees. And my dividend. अब उसमें जो 4 रुपए दिए गए हैं, वो 4 रुपए दिए गए हैं as an income. So that 4 rupees can be considered as a normal dividend. So here I am writing my opening NAV is 50 rupees. My closing NAV is 55 rupees. And my dividend. अब अगर मैं dividend की बात करता हूं, I am, as I said, my total dividend will be addition of normal dividend and capital gain distribution. So, dividend will be normal plus capital gain. So, my normal dividend is 4 rupees. My capital gain dividend is 3 rupees. So, my total dividend will be 7 rupees. अब investment के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है. So, we will don't take or we will not consider that it is being reinvested. We have to calculate the return in simple terms when the dividend is distributed. So here I am calculating the return per Sunday. Formula yahan par already likha hua hai, so I am not writing it again. So my closing NAV 55 minus opening NAV 50 plus dividend 7 divided by opening NAV into 100. So it will be 55 minus 50 will give me 5 plus 7, 12. 12 divided by 50 into 100. So 12 divided by 50 into 100 will give me 24%. So my return will be 24%. Bhavnagar Center. आपने जो आंसर बताया वो कौन से क्वेश्चन का था? मतलब भावनगर सेंटर अगर आपने वो क्वेश्चन 11 का आंसर भेजा था तो वो गलत था, क्योंकि क्वेश्चन 11 का आंसर आ रहा है 24%. और क्वेश्चन 10 जो बहुत सारे सेंटर्स ने अभी ऑलरेडी कर लिया है और बाकी के सेंटर्स होमवर्क से करेंगे, तो क्वेश्चन 10 का आपका आंसर आ रहा था आई थिंक यस 10.15%. Now, starting with question number 12. Question number 12 says that you can earn a return of 14% by investing in an equity share on your own. मतलब अगर आप equity share में invest करते हो, तो आप अपना खुद के हिसाब से 14% return कमा सकते हो. You are considering an recently announced equity mutual fund scheme where the initial issue expenses are 6%. You believe that
The mutual fund scheme will earn 16.5%. At what recurring expense in percentage terms will you be indifferent between investing on your own and investing through mutual fund? Now, यहां पर हम लोगों को इंफॉर्मेशन ये दी गई है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स इज 14%. इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड And my second thing is saying that if investment is made in mutual fund, which had been recently issued at 6% expenses will give return of 16.5%. मतलब जो म्यूचुअल फंड अभी लॉन्च हुआ है एट 6% कॉस्ट और 6% एक्सपेंसेस दैट इज एक्सपेक्टेड टू गिव अस रिटर्न ऑफ 16.5%. So, at what recurring expenses the investor will be indifferent और इनडिफरेंट का मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न और आपकी इक्विटी का रिटर्न सेम होगा. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस, दिस इज समथिंग विच इज लाइक दिस, रिटर्न फ्रॉम म्यूचुअल फंड विल बी इक्वल टू रिटर्न फ्रॉम इक्विटी. This is what we can say that the investor is indifferent. अब यहां पर return from mutual fund is given as 16.5%. अब return from equity जो हमारा आएगा that will be 100 माइनस कॉस्ट ऑफ इश्यू प्लस रिकरिंग एक्सपेंसेस. सो यहां पर रिकरिंग एक्सपेंसेस को हम लोग एक्स अज्यूम कर लेते हैं. Assume annual recurring expenses as X percentage. अब mutual fund से return मिलेगा 16.5% का. Shareholder का expectation equity से है 14% का. डिवाइडेड बाय मेरा इक्विटी का जो कॉस्ट होगा उस कॉस्ट में से या फिर इक्विटी का जो फेस वैल्यू होगा उसमें से 6% मेरा कॉस्ट ऑफ इश्यू है. एज द कॉस्ट ऑफ इश्यू इज गिवन इन परसेंटेज वी आर कंसीडरिंग द ओवरऑल शेयर एज 100 रुपीज और उसमें से 6% माइनस करेंगे तो -6.
क्योंकि अगर आपको कॉस्ट ऑफ इश्यू रुपीज में दिया हुआ होता तो आपकी शेयर की फेस वैल्यू भी आप लोगों को दी जाती, यहां पर फेस वैल्यू दी नहीं गई है, सो दैट इज वाई वी आर अज्यूमिंग इट टू बी 100। हां, इसे आप 10 भी अज्यूम कर सकते हो, आई डोंट माइंड, आंसर वही रहने वाला है, सो इट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस, बट फॉर द इजियर कैलकुलेशन आई एम कंसिडरिंग इट एज 100। सो 100 माइनस 6 प्लस एन्युअल रिकरिंग एक्सपेंसिस आर अज्यूम्ड टू बी एक्स, सो देयरफॉर 16.5 इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 94 प्लस एक्स। नाउ 14 डिवाइडेड बाय 94, इफ आई डू 14 डिवाइडेड बाय 94 विल गिव मी 0.1489। सॉरी, यहां पर मैं एक चीज लिखना भूल गया हूं, दिस विल बी इनटू 100, क्योंकि ये जो आंसर आएगा ना वो डेसिमल्स में आएगा, यहां पर हम लोगों ने परसेंटेज रिटर्न लिखा हुआ है तो इसे भी मुझे परसेंटेज में ही कंसीडर करना पड़ेगा। सो 14 बाय 94 इनटू 100 प्लस एक्स, सो देयरफॉर 16.5% इक्वल्स टू 14.89% प्लस एक्स, देयरफॉर अगर ये सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 16.5 माइनस 14.89 इक्वल्स टू एक्स, एंड देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 1.61%। अगर मेरी एन्युअल रिकरिंग कॉस्ट 1.61% या उससे कम होगी, मतलब अगर मेरी एन्युअल रिकरिंग कॉस्ट 1.61% से कम होगी देन इक्विटी इन्वेस्टमेंट ऑन माय ओन इज बेटर। अगर एन्युअल रिकरिंग कॉस्ट 1.61% से ज्यादा होगी देन म्यूचुअल फंड इज बेटर, एंड इफ इट इज 1.61% एग्जैक्ट देन आई कैन चूज एनी वन ऑफ देम, इट विल बी इनडिफरेंट। सो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 12 इज टॉकिंग अबाउट। एनी डाउट्स? सेंड एनी डाउट्स प्लीज। ठीक है, क्वेश्चन 11 12 कॉपी कर लीजिए, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। नहीं तो एक काम कीजिए, क्वेश्चन 9 कॉपी करना किसका बाकी है? ओके, ओनली वन सेंटर इज पेंडिंग। ठीक है, तो हिम्मतनगर सेंटर आप बाद में लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9, अभी 11 और 12 कर लो, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन।
shares. Centers copied or not? Okay, Rampur Center. Regarding this return from equity. अब जब हम लोग कह रहे हैं कि हमारा return from equity 14% है और return from mutual fund is 16.5%. So इन दोनों के returns में तो difference है. मतलब if I talk about the rate of return, there is a difference, 14 and 16.5. So, अगर दोनों के returns अलग-अलग है, तो हम लोग उनके बीच में indifferent कैसे रह सकते हैं, और how can be at par with both of them. Now, and that is the reason why we are talking about this, or what we are going to calculate over here is, कि ये जो shareholders का return है, 14%, अब वो जो 14% है वो उसका नॉर्मल रिटर्न है, लेकिन उस नॉर्मल रिटर्न के अगेंस्ट में हम लोगों को या फिर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया है दैट इन दैट 14% केस द कॉस्ट ऑफ इश्यू इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड. सो दैट 14% विल बी द रेट ऑफ रिटर्न एट द फेस वैल्यू ऑफ 100. But out of that 100, if I subtract the cost of issue, my face value, or I would say the
डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द इश्यू विल बिकम 94. तो मेरा जो रिटर्न एक्चुअल में 14% का दिख रहा है, दैट रिटर्न इज एक्चुअली 14.89%. अब मेरा इक्विटी का रिटर्न 14.89% है, सामने मेरा म्यूचुअल फंड का रिटर्न 16.5% है. अगर मैं इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं, देन आई हैव टू रेज माई रिटर्न ऑफ इक्विटी, और आई वुड से आई नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी रिटर्न टू 16.5, एंड दैट इज वाई माई वैल्यू ऑफ इक्विटी रिटर्न will be raised by the annual recurring expenses, and that is why the annual recurring expenses have been added over here. So that is the concept. Ki aap jo 16.5% ke saath compare kar rahe ho is 14% ko, to pehle to aapko is 14% ki actual value ke saath use return mein find karna padega, that is 14.89. Aur us return mein hum logo ko annual recurring expense add karne padenge. Okay, so your theory is that as the 6% cost or issue cost is given for mutual fund, then why are we deducting it from equity? See, yahan par ek cheez aur hai ki agar hum log in dono ke beech mein indifferent rehna chahte hain, when we are considering these two things are to be equal, तो उनके दोनों के बीच में जितनी जितनी चीजें भी होगी उन्हें हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा. सो एज इट इज गिवन दैट देयर इज 6% इश्यू कॉस्ट इन म्यूचुअल फंड, वो एक्चुअली उसी लिए दिया हुआ है क्योंकि हम लोगों को वो 6% की कॉस्ट इक्विटी में कंसीडर करनी है. अदरवाइज लॉजिकली भी सोचे कि हम लोगों ने इतने सारे सम्स किए, इन एनी ऑफ द सम्स डिड वी टेक इन टू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ इश्यू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एनएवी or for the calculation of the mutual fund return? No. यहां पर 6% की issue cost इसीलिए दी गई है क्योंकि mutual fund का return और equity का return अगर indifferent है तो उन दोनों में similarity हर case में होनी चाहिए. तो इसलिए जो 6% का issue cost है वही 6% का issue cost equity पर भी लागू होगा. Yes, Porbandar Center, Rajkot Center, is it clear? Yes, Porbandar Center. 16.5% का जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है, दैट रिटर्न इज आफ्टर कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ इश्यू, सो दैट यू कैन से एज अ नेट इफेक्ट. भावनगर सेंटर, सी भावनगर सेंटर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक्सपेंसेस होने की वजह से इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं. और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यहां पर ऐड करने का मतलब यह है कि इस 1.61% को ऐड करके इक्विटी की वैल्यू बढ़ेगी. आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम सेइंग दैट द इक्विटी इज गोइंग टू अस 14% ओनली. इक्विटी हम लोगों को 14% ही देगी, लेकिन इक्विटी का एक्चुअल रिटर्न 16.5% ही होगा. सो वॉट नाउ अंडरस्टैंड वॉट आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी सिंपल सेंटेंस, दैट द रिटर्न ऑफ इक्विटी इज 16.5%. आउट ऑफ दिस 16.5%, 1.61% ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसिस विल बी डिडक्टेड, सो इट विल बिकम 14.89. एंड आउट ऑफ दिस 14.89%, माय 6% issue cost will be given the effect, and that is why the net of cost, my return will be 14%. Bhavnagar Center, is it clear?
राजकोट सेंटर, पोरबंदर सेंटर, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 सेज दैट गिवन आर द डिटेल्स ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ म्यूचुअल फंड विद बिगिनिंग एंड एंडिंग एनएवीज ऑफ ...1998 to 2003. कैलक्यूलेट द 5-year कंपाउंडेड एन्युअल रिटर्न. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कंपाउंडेड एन्युअल रिटर्न फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा. For finding the compounded annual return, we need to find out the IRR for all these years. So, यहां पर अगर आप लोग 1998 की बात करें, जो last column है आपका, 1998 की NAV आप लोगों को negative दी हुई है. So, that will become your cash outflow. And in the rest of the years, 1999 onwards till 2003, you have been given the dividend plus capital gain distribution. So, un dono ka total karenge. So, we will be having the total dividend. And in the last year, that is 2003, we have the dividend, we have the capital distribution, and we have the closing NAV also. So, un sab ka total karke hamara closing NAV ka cash flow aayega. So, in cash flows ko discount karke, we need to find out the IRR. Aur IRR ka jo rate aayega, that will become our compounded annual return for 5 years. So, here first of all, I'm for calculating compounded annual return, we need to calculate IRR for all cash flows. अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं life. So, यहां पर अगर मैं कैश फ्लोज की बात करूं, मेरे पहले साल में जो मेरा क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग एनएवी दिया हुआ है दैट इज -10. इसे माइनस में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इस एनएवी पर हम लोग म्यूचुअल फंड खरीदेंगे. सो दैट इज माई कैश आउटफ्लो. फिर हर साल डिविडेंड मिलता है 1999, डिविडेंड इज 0.60, कैपिटल गेन इज nil, सो माय टोटल डिविडेंड विल बी 0.60. इन ईयर 2000 इट इज 1.75, इन ईयर 2001 इट इज 0.85, इन ईयर 2002 इट इज 1.85, एंड ईयर 2003 इट इज 17.73. So that is 0.95 plus 1.05 plus 15.73. So this will be my 17.73. Here we can also do that. To find discount rate
we can calculate average of the cash flow. Or I would say, we can calculate average return. So, यहां पर मुझे एवरेज रिटर्न अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, माय एवरेज रिटर्न इज 0.6 प्लस 1.75 प्लस 0.85 प्लस 1.85 प्लस 17.73 माइनस डिवाइडेड बाय, यहां पर 5 ही होगा क्योंकि माइनस 10 तो ईयर 0 है. सो दिस विल बी 12.78. डिवाइडेड बाय 5. 12.78 डिवाइडेड बाय 5. सो दैट इज गिविंग मी 2.556. ये हुआ मेरा रिटर्न. एवरेज रिटर्न हुआ मेरा 2.556. सो इसके बेसिस पर अगर मैं रिटर्न परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूं, रिटर्न परसेंटेज विल बी 2.556 डिवाइडेड बाय 10. 10 मैं कंसीडर कर रहा हूं फेस वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड multiplied by 100. So it will give me 25.56%. अब यहां पर मेरा रिटर्न है 25.56%. इसका मतलब है कि मेरा रिटर्न, अब देखिए मेरे सारे जो कैश इनफ्लोज है वो पॉजिटिव है. सो दैट मीन माई रिटर्न इज 25.56%, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी मोर देन माई कॉस्ट. वो मेरे कॉस्ट से तो बड़ा ही होगा. सो इन दैट केस फॉर कैलकुलेटिंग माय आईआरआर हम लोगों को डिस्काउंट जिस रेट पर करना पड़ेगा वो 25 से कम ही होगा. सो द कैलकुलेशन ऑफ आईआरआर विल बी डन एट अ रेट विच इज लोअर देन 25%. लेट अस अज्यूम दैट, अज्यूमिंग द पीवी फैक्टर एट 20%, पीवी फैक्टर एट 20%. सो इन ईयर 0 इट विल बी 1. In first year, 1 divided by 1.2, so 0.833, 0.694, 0.579, 0.482, and 0.402. And now I can calculate my PV. So this will be minus 10 0.4998, 1.75 into 0.694, 1.2145, 0.85 into 0.579, 0.495 into 0.482, 0.8917 and 17.73 into 0.402. 7.1275. So here my NPV will be
0.2257. This will be my NPV. Or I can write it as 0.23. अब यहां पर देखिए, ये जो NPV आई है वो पॉजिटिव होगी. Yeah, of course. This is our positive NPV. अब अगर IRR फाइंड करना है तो मुझे दूसरा एक रेट चाहिए जिसकी NPV नेगेटिव हो. So as at 20% my NPV is positive, second NPV has to be calculated at a higher rate than 20%. But ये याद रखना कि जो दूसरा रेट होगा वो 20% से बड़ा होगा, लेकिन 25% से रिटर्न. सो ये 20% है और लेट अस अज्यूम दैट इट इज एट 22%. PVF एट 22%. सो यहां पर वापस 1. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.22 0.820. .50, .451, .451 and .370. और यहां पर अगर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सो इट विल बी -10.82 0.419 2 1.75 into 0.672 1.176 0.85 into 0.551. So that is 0.468. 1.85 into 0.451. That is 0.834. 17.73 into 0.370. And that is 6.560. And here my NPV equals to 0.47. Now as my one NPV is positive, is negative, now we can calculate IRR by using our simple formula. Lower rate of return, that is 20, plus difference between two rates, that is 2, into rate. So, yahan par 0.2257 hai, so I am considering it as a 0.23. So, PV at lower rate, 0.23, sorry, ये तो NPV है, we need to calculate PV. हाँ, इसका मैंने PV calculate किया था, 9.53 आ रहा था, इसका मुझे calculate करना पड़ेगा, 10 minus 0.2257, sorry. It is coming as 10.23. Present value is 10.23. So PV at lower rate, 10. Minus PV at higher rate. Sorry. Lower rate of return plus difference between two rates into PV at lower rate minus initial investment. So 10 divided by higher rate. This formula. So 10.23 minus 10 will give you 0.10.23 minus 9.53.
it is 0.7. So 0.23 divided by 0.7 into 2 or yahan par 20. So 0.23 divided by 0.7 gives me 0.33. It is 0.23 divided by 0.7 gives me 0.33 multiplied by 2 point gives me 0.66 plus 20. So my IRR equals to 20.66%. Ab 20.66% aaya, this 20.66% will be considered as my compounded annual return for 5 years. Now, sentence, koi doubts hai? Okay then, start with the last question for the day. Last question, question number 14, given below are the data for the year 2001 and 2004. 2 saal ka data hum logo ke paas hai. Find the holding period return for both the years in case unit are issued at 3% sales load. Wahan par bracket mein aapko likhna hai to likh dijiye. Sales load is nothing but your entry load. So yahan par bhi main likh deta hu. Sales load is equal to your entry load. Aur agar yahan par purchase load is nothing but your exit load. So my entry load is 3%, 0.03. Aapko 2 saal ka data diya gaya hai, year 2004 and 2001, aur dono saal ke liye aap logo ko holding period return calculate karna hai. Now पहले 2004 का देख लेते हैं क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन पहले दी हुई है. एंडिंग एनएवी 64.84, बिगिनिंग एनएवी 58.60. एंडिंग एनएवी 64.84 beginning NAV 58.60, dividends received 0.83 and capital gain distribution 2.42. so my dividend equals to dividend received plus capital gain distribution. So my dividend received is given as 0.83 plus 2.42.
So it is total as 3.25. ये हो गया मेरा टोटल डिविडेंड। हाँ, अब यहां पर हम लोगों को कैलकुलेट करना है होल्डिंग पीरियड रिटर्न। होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर ईयर 2004 के लिए हम लोग अगर होल्डिंग पीरियड रिटर्न फाइंड करना चाहते हैं तो 2004 के बिगिनिंग में द एनएवी वॉज 58.60। इसका मतलब यह है कि 2004 का अगर हम लोग होल्डिंग पीरियड रिटर्न गिनना चाहते हैं, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर ने 2004 की बिगिनिंग में म्यूचुअल फंड खरीदा होगा या म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदे होंगे, और जब इन्वेस्टर ने खरीदे होंगे तब इस एनएवी के साथ उन्होंने 3% एंट्री लोड पे किया होगा। सो दैट इज व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर इक्वल्स टू एनएवी इंटू 1+ एंट्री लोड। सो माई एनएवी इज 58.60 इंटू 1.03, दैट इज माई एंट्री लोड। सो 58.60 इंटू 1.03 गिव्स मी 60.36 रुपीस पर यूनिट। अब ये हो जाएगा मेरा ओपनिंग एनएवी, ये हो जाएगा मेरा ओपनिंग एनएवी। और जो हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं यहां पर री इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं है, सो वी विल फाइंड आउट द सिंपल रिटर्न बिकॉज द डिविडेंड इज गिवन। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने क्वेश्चन 11 में यूज किया था या फिर जो फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में पहला लिखा था, दैट फॉर्मूला विल बी यूज्ड। सो होल्डिंग पीरियड रिटर्न इन परसेंटेज इक्वल्स टू क्लोजिंग एनएवी माइनस ओपनिंग एनएवी प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी इनटू 100। सो माय क्लोजिंग एनएवी इज 64.84 माइनस 60.36 प्लस डिविडेंड 3.25 डिवाइडेड बाय 60.36 इनटू 100। सो माय आंसर वुड बी 64.84 माइनस 60.36 प्लस 3.25 डिवाइडेड बाय 60.36 इनटू 100। It gives me 12.81%. So यहां पर मैं लिख देता हूं होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर ईयर 2004 इक्वल्स टू 12.81%। एंड सेम वे वी नीड टू कैलक्यूलेट फॉर ईयर 2001 एंडिंग एनएवी बिगिनिंग एनएवी एंडिंग एनएवी ने दी हुई है 44.10 एंड बिगिनिंग एनएवी इज 59.85। So, इसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, परचेज्ड बाय इन्वेस्टर, सो इट विल बी 59.85 इनटू 1.03, सो दैट विल बी माय 59.85 इनटू 1.03 गिव्स मी 61.65
61.65 रुपीस पर यूनिट, और यहां पर मेरा टोटल डिविडेंड होगा, माय टोटल डिविडेंड विल बी 0.72 प्लस 9.02, सो दैट विल बी 9.74 रुपीस। सो यहां पर मेरा होल्डिंग पीरियड रिटर्न होगा, सेम फॉर्मूला है, वापिस नहीं लिख रहा हूं, क्लोजिंग एनएवी 44.10 माइनस 61.65 प्लस 9.74 डिवाइडेड बाय 61.65 इनटू 100। सो देयरफॉर 44.10 माइनस 61.65 प्लस 9.74 इट गिव्स मी माइनस 7.81 डिवाइडेड बाय 61.65 इनटू 100 and therefore my holding period return for year 2001 is 12.67% minus 12.67%. This will be my holding period return for year 2001. So this is year 2001, this is year 2004. Great. Any doubts, Anders? Anders, any doubts, please? Okay, we are left with the last part of the chapter that we will do in the next session, and hopefully next session we will be definitely be completing mutual fund. Next lecture mein hum log mutual fund to khatam kar hi lenge, but we will also try to start the next chapter. So सेशन में हमारी गिनती ये होगी कि हम लोग इस चैप्टर को खत्म करें और अगले चैप्टर को स्टार्ट करें। आई एम नॉट श्योर दैट वेदर आई विल बी टेकिंग अ सेशन ऑन सैटरडे और नॉट, इफ इट इज गोइंग टू बी देयर यू विल बी इन्फॉर्म्ड, सो दैट इज इट। एंड अब तक कोई क्वेरी नहीं आई है, सो आई एम अज्यूमिंग दैट देयर इज नो क्वेरी। एंजॉयड द सेशन, यू सो मच, टेक केयर।